हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, उसके आज फाइनल आंसर की आ चुकी है और आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों। तो देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट जो है 10 मार्च 2019 को हुआ था आपका सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज में हुआ था और वो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम 10 तारीख को दिए थे। अब देख लीजिए, ये है क्वेश्चन सेट, ए का आंसर की, ये बी का, ये सी का और ये डी का, और यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली आंसर की, आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका कहीं मिसमैच नहीं हुआ है जो पहले कट ऑफ आ रहे थे उस पर, और अब चेंजेस हो गया, क्योंकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है या सही होता है तो उसकी वजह से कट ऑफ में चेंजेस आ जाती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ डिक दिया हुआ है डिकार्डेड, और एक क्वेश्चन 66 पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दो क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है, इसका मतलब कट ऑफ जो है फिर से गड़बड़ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले की कट ऑफ थी और अब की कट ऑफ में चेंजेस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर से आदमी को नौकरी लग सकती है और एक मार्क्स ना आने पर आदमी को नौकरी नहीं लग सकती, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है, तो इसलिए अब कट ऑफ में चेंजेस काफ़ी आ गई है। चलिए अब बात करते हैं हम सीधा कट ऑफ के बारे में, तो देख लेते हैं आप कि जो नई कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का, हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, आपके सामने कट ऑफ मैंने लिख दिया है पहले से ही। अब देखिए, यहाँ पे जर्नल की जो कट ऑफ है दोस्तों वो जाएगी 178 से लेके 180 के बीच। या दोस्तों, ये कट ऑफ जो है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के मार्क्स को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के टोटल मार्क्स 178 से लेके 180 के बीच आ रहे हैं, तो वो अपना लगभग सिलेक्शन पक्का समझें। अब ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी वालों के लिए 175 से 177, जी हाँ दोस्तों 175 से 177 के बीच जिन स्टूडेंट का नंबर आ रहा है, जी हाँ एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल नहीं है। इसलिए आप इसमें अगर आपके एक दो मार्क्स कम भी आ रहे हैं और एक दो मार्क्स ज़्यादा भी आ रहे हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कट ऑफ में ऊपर नीचे होता रहता है, पर एक अनुमानित कट ऑफ है कि अगर 175 तक आपके मार्क्स हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए ओबीसी वालों के लिए। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट की कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों 170 से 172 के बीच जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, एससी कैंडिडेट में ज़्यादा से ज़्यादा 170 से 172 के बीच ही जाने वाले हैं, क्योंकि एससी वालों का ज़्यादा अच्छे मार्क्स फर्स्ट स्टेज में ही नहीं आए थे। जो मेरे स्टूडेंट से उन्हें मैंने मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा था कि सर फर्स्ट स्टेज में इतने मार्क्स स्कोरिंग नहीं हो पाए थे और सेकंड स्टेज में भी लगभग औसत ही मार्क्स है, तो दोनों का मैंने मर्ज करके ये कट ऑफ बनाया है। तो एससी वालों को 170 से 172 के बीच अगर आ रहा है तो वो भी अपना सिलेक्शन लगभग पक्का ही समझे और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए। अब बात करते हैं एसटी के लिए, एसटी वालों के लिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सीट भी कम थी और ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे एसटी वालों के लिए, शेड्यूल ट्रिप्स वालों के लिए, तो फिर इनका ज़्यादा कट ऑफ जाने की ज़्यादा संख्या वैसे भी नहीं है, तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो 160 से 165 के बीच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेज जो था वो नॉर्मल था, एकदम देखा जाए तो काफ़ी ईजी था, लोगों को 70 से 75 मार्क्स तो ईजिली आ ही जा रहे थे उसी बेस पर, लेकिन सेकेंड स्टेज थोड़ा उससे मॉडरेट था। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेज के अलावा सेकंड स्टेज हो तो वो मॉडरेट था, उससे थोड़ा बेहतर था, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा उतनी नहीं जा पा रही है। फर्स्ट स्टेज में भले ही मार्क्स ज़्यादा आए थे, लेकिन सेकंड स्टेज में लोगों के मार्क्स औसत ही आ रहे हैं, तो उन दोनों मार्क्स को मर्ज करके एसटी वालों की जो कट ऑफ बनी है वो है 160 से 165 के बीच। अगर आप एससी कैंडिडेट से संबंध है तो आपका ये सिलेक्शन लगभग पक्का समझिए और आप भी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों अगर कुछ और आपको बताना हो या शेयर करना हो हमसे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय या अपनी कोई जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल को प्रेस करना ना भूलें।